सिरसा जिला की रोड़ी थाना पुलिस ने महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 40,000 रुपए की नकली करेंसी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक की पहचान प्रगट सिंह के रूप में हुई है। आरोपी पंजाब का रहने वाला है और उससे नकली नोट चलाते हुए रोड़ी बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। सिरसा के DSP रविंद्र तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने पकड़े गए युवक प्रगट सिंह से 500 रुपए की नई करेंसी 80 नकली नोट बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि रोड़ी थाना में आरोपी युवक व सप्लायर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पकड़े गए आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से पूछताछ कर नकली करेंसी के इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। थाना रोड़ी के प्रबंधक व उनकी टीम स्पेशल गश्त व नाकाबंदी के दौरान उन्होंने एक आदमी को शक के आधार पर और एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर चेक किया तो उसके पास से करीब 40,000 रुपये नकली करेंसी प्राप्त हुई है। उसका नाम है प्रगट सिंह पुत्र गुरजंट सिंह, ये पंजाब का रहने वाला है। इसका एक और साथी है, इसने बताया है उसके बारे में। आज माननीय अदालत से प्रगट सिंह को पेश करके रिमांड दिया जाएगा ताकि अन्य तथ्यों पे, अन्य जानकारियों पे, अन्य साइंटिफिक एविडेंस और सभी इसके साथ मिले हुए अन्य आदमी या अन्य वारदातों में संलिप्तता के बारे में पता किया जाएगा। नोट अपने नए करेंसी नोट हैं, जो नई करेंसी नोट है 500-500 रुपए के नए नोट, ये नोट हैं 80 नोट हैं 500-500 के। यही तो विषय है जिसके बारे में माननीय अदालत से रिमांड पे उसकी पूछताछ में गहनता से पूछताछ करेंगे। कहाँ से ये लाया, कहाँ से इसने तैयार किए या कैसे है, वो सारी चीज़ें लीड प्राप्त करने के लिए ही हम कर रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ तो कल शाम को गिरफ्तार किया था, अभी आज पेश करेंगे, आज रिमांड पर लेंगे तभी कुछ जानकारी हासिल होगी।